दुनिया में बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मर्स से इंट्रोडक्शन माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज से हुआ, जिन्होंने अपने बेजोड़ विजुअल इफेक्ट से ट्रांसफॉर्मर्स को तो जिंदा किया ही, साथ ही साथ अपने एक्सप्लोसिव मेटल एक्शन से दुनिया भर में अपना फैंडम क्रिएट किया। अब भले ही आप इस मूवी सीरीज के कोई बहुत बड़े फैन हो या ना हो, आपने एक बात तो जरूर रियलाइज की होगी कि इन मूवीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ प्लेस हैं और उनका कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर्स का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और इस मूवी सीरीज के अंदर इसके विजुअल इफेक्ट्स और एक्शंस बहुत ही ज्यादा बेजोड़ थे, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ फैन कुछ चीजों को पॉइंट आउट करूंगा, और मेरा इरादा आपको इन मूवीज को एंजॉय करने या इनका फैन बने रहने से रोकने का तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ सकते होंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स इस वीडियो में आने वाले अब भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके जितना शायद ही इस फ्रेंचाइजी के अंदर मुझे कुछ और खला होगा। आई मीन ऑफ कोर्स इस सीरीज के एक्सप्लोसिव नेचर को देखते हुए बाकी चीजों को नजरअंदाज किया जा भी सकता है, लेकिन एक पर्सनल एलियन रोबोट जो आपकी गाड़ी में बदल सकता है और आपसे अपनी रेडियो के थ्रू बात करता है। खैर, मूवीज में तो ये समझाया गया है कि उसकी आवाज एक लड़ाई के दौरान खराब हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर इसे कंपेयर करें इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के सबसे पहले एनिमेटेड टीवी शो में बम्बलबी को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी, और ना ही ये प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मर्स के किसी और मीडियम में दिखाई गई है। खैर, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि बम्बलबी बात नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि बम्बलबी बात कर सकता है फिर भी वो अपने रेडियो का इस्तेमाल क्यों करता है। आई मीन, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि पहली मूवी के क्लाइमेक्स में बम्बलबी अपनी आवाज में सैम के साथ रहने की इच्छा जताता है, लेकिन अगर उसकी पहली मूवी में वॉइस ठीक हो जाती है तो फिर सेकंड मूवी से ही उसकी वॉइस की स्ट्रगल फिर क्यों चालू हो जाती है, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स की फिफ्थ मूवी लास्ट नाइट तक चली थी, जहां पर केड येगर उसकी वॉइस को ठीक करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन फाइनली लास्ट में अपने आप बम्बलबी बोलने लगता है। बहुत सारे फैंस ने इस बात को थियोराइज किया है कि बम्बलबी की वॉइस बेसिकली मैकेनिकल नहीं बल्कि एक इमोशनल प्रॉब्लम है, और बहुत जरूरी होने पर ही वो उसका इस्तेमाल करता है। वहीं पर दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि बम्बलबी ने रेडियो से बात करने का तरीका अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बना लिया है। वेल, अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने माइकल बे की सारी ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज की कंटिन्यूएशन देखी है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फोर्थ और फिफ्थ मूवी में सैम विटविकी कहाँ है और उसका आखिर हुआ क्या। वेल, अगर यहाँ पर बिहाइंड द सीन रीजंस की बात करें तो सैम विटविकी का रोल प्ले करने वाले शाया लबफ ने उस समय ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज में फीचर करने से मना कर दिया था, और वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स 4 के टाइम में लीगल इश्यूज के चलते जेल के चक्कर काट रहे थे। लेकिन मूवी के अंदर हर चीज को रीजन के साथ समझाना पड़ता है, और यहीं पर इन मूवीज ने इन चीजों को क्लियर नहीं किया। वैसे हमें सैम का एक सॉर्ट ऑफ कैमियो एज अ फोटोग्राफ ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट मूवी में देखने को मिला था, जहां पर वो बेसिकली विटविकियन फैमिली ट्री के लास्ट मेंबर के रूप में दिखा था। लेकिन इसी मूवी के अंदर आगे रिवील किया गया कि विवियन बेसिकली विटविकियंस के आखिरी मेंबर्स में से एक है और मर्लिन की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, जो उसका स्टाफ यूज कर सकती है। अब यहीं पर ये चीज बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर सैम का हुआ क्या, विवियन के आखिरी विटविकियंस में से होने का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर सैम जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा भी है तो उसे ऑटोबॉट्स या ऑटोबॉट्स को उसकी परवाह क्यों नहीं हुई। इन्हीं चीजों को फोर्थ और फिफ्थ मूवी में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया। ट्रांसफॉर्मर्स के टोटली मेटालिक और इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी इन मूवीज के अंदर उनका और लिविंग ऑर्गेनिक बींग्स के बीच में एक ही चीज कॉमन बताया गया है, और वो है लाइफ। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स को उनकी लाइफ कैसे मिलती है इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि पहली मूवी के अंदर ये तो समझाया गया था कि ट्रांसफॉर्मर्स को ऑल स्पार्क से जिंदगी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया कैसे। आई मीन, हर ऑर्गेनिक बीइंग जिसके अंदर लाइफ होती है वो किसी न किसी प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है, तो ट्रांसफॉर्मर्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि सेकंड मूवी के अंदर हमने ऑल स्पार्क का जादू देखा, जो बेसिकली किसी भी नॉन लिविंग मशीन को तुरंत एक्टिवेट कर लिविंग बना सकती है। लेकिन वहीं पर इसी मूवी के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मर्स के अंडे भी देखे, जो हमें समझाता है कि ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली पैदा होते हैं। यही कारण है कि जब ये मरते हैं तब इनकी भी आत्मा हमारी ही तरह इनकी बॉडी को छोड़ती है, और इसका सबूत देखने को हमें मिला सेकंड मूवी के ट्रांसफॉर्मर्स के उन स्पिरिट रियल्म्स का, जहां पर प्राइम्स की आत्माएं सैम को इंस्ट्रक्ट करती हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन क्या ये लिविंग बींग की तरह मरे हुए रह सकते हैं।
हमने एज ऑफ एक्सटिंक्शन मूवी के अंदर देखा कि जोशुआ ने अपनी कंपनी KSI के साथ मिलकर कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स के पार्ट से नए ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट कर सकता था। यहाँ तक कि उसने मेगाट्रॉन को भी गैल्वेट्रॉन के रूप में जिंदा किया। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स की बर्थ और डेथ का आखिर सेंस क्या बनता है। ट्रांसफॉर्मर्स की अगर प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा? बेसिकली एक ऐसे एलियन रोबोट्स जो खुद को ट्रांसपोर्टेबल और कॉम्बैट व्हीकल्स में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर व्हीकल्स ही क्यों? वेल, अगर मैं इसका सिंपल आंसर देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये होगा कि ट्रांसफॉर्मर्स की शुरुआत ही बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स के टॉयज को बेचने के लिए हुई थी। लेकिन बात जब मॉडर्न वर्ल्ड में लाइव एक्शन की हो तो यहाँ पर थोड़ी लिबर्टी ली जा सकती है, एंड माइकल बे ने यहाँ पर लिबर्टी ली भी है, जहाँ पर उन्होंने कई बार डिसेप्टिकॉन्स को ह्यूमंस के रूप में डिस्गाइज्ड भी दिखाया है। स्पेशली सेकंड मूवी के अंदर हमें दिखी वो वियर्ड सी लड़की जो बेसिकली एक डिसेप्टिकॉन थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अगर डिसेप्टिकॉन्स इसी अप्रोच का इस्तेमाल करते तो उन्हें घुलने मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और वो बेसिकली अर्थ और इंसानियत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। साथ ही साथ हम पहले से भी कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण डिसेप्टिकॉन्स पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और हेडफोन्स का भी रूप ले सकते थे। एंड ऑफ कोर्स हमने तीनों की तीनों मूवीज में उन्हें ये सब कुछ बड़े आराम से करते हुए भी देखा है। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड के इंसानों की सबसे बड़ी हकीकत इंटरनेट डिपेंडेंसी। एंड हियर नाउ आई कैन साउंड लिटिल सिनिस्टर, बट इसका इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन नहीं, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स बन के एक दूसरे को उड़ाएंगे। खैर, अगर ये चीज $4 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमाने का बहाना बन सकती है तो क्यों नहीं। खैर, ये सब कुछ तो एक हद तक अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्चुअल सेंस बनाने के लिए इसकी टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी एकदम साथ नहीं देती, और आपको इस चीज का सेंस बनाने के लिए आपके दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहली मूवी में मेगाट्रॉन के धरती पर आने की बात करते हैं, जहां पर ये बताया गया था कि मेगाट्रॉन बेसिकली अर्थ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑस्पार्क की मदद से पूरी की पूरी यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन मेगाट्रॉन धरती पर ऐसे समय में आया था जब कई सारी टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, तो उस समय धरती पर आने का आखिर उसका मकसद क्या था? चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। फिफ्थ मूवी के अंदर हमें फाइनली पता चला कि बम्बलबी अर्थ पर वर्ल्ड वॉर 2 का भी हिस्सा बन चुका है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की स्पिन ऑफ मूवी बम्बलबी के हिसाब से वो अर्थ पर 80s में आया था, जब बेसिकली साइबरट्रॉन पर वॉर छिड़ी थी। तो ऐसे में बम्बलबी धरती पर 40s में क्यों आया था? और बम्बलबी के मूवी के क्लाइमेक्स के हिसाब से अगर ऑप्टिमस प्राइम हमेशा से ही धरती पर थे तो वो ट्रांसफॉर्मर्स की पहली मूवी में कहां से वापस आए थे? इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स 4 में उन एलियन बींग्स का क्या जिन्होंने धरती पर आकर ट्रांसफॉर्मियम बिखेरा था? क्या इन्होंने ही ट्रांसफॉर्मर्स और साइबरट्रॉन को क्रिएट किया था? और अगर इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिएट किया था तो फिर ऑलस्पार्क का क्या मतलब? खैर, इन सारे के सारे सवालों का जवाब अब हमें शायद ही कभी मिले। तो गाइज, ये थी कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज के अंदर जो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाती। ऑफ कोर्स ये रीजन मुझे कभी भी नहीं रोक पाएंगे 6, 7, 8, 9 न जाने कितने सीक्वल्स को देखने और एंजॉय करने के लिए, अगर माइकल बे डिसाइड करते हैं तो। खैर, कभी ट्रांसफॉर्मर्स के फ्यूचर के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अब भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ट्रांसफॉर्मर मूवीज के अंदर सेंस नहीं बनता। अब देखना है कि नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप इस बारे में कितना बता सकते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।